समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू असीम आझमी हे नामांतर विरोध व पक्षाचे धोरण सांभाळण्यासाठी आज उस्मानाबाद येथे आले असता त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात छत्रपतींच्या पुतळ्याला तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून खाजा शमसुद्दीन गाझी दर्गा येथे चादर चढवून दुवा मागितली. यावेळी त्यांचा ठिकठिकाणी समाज बांधवांनी सत्कार केला. छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्री पर गया और मुझे मैंने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज के कान में मैंने कहा कि महाराज आप यहाँ आ गए हैं लेकिन जो लोग आपका नाम लेकर कहते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर महाराष्ट्र चला रहे हैं वो लोग एक नंबर के झूठे हैं और आपके नाम को इस्तेमाल करके इस देश में सांप्रदायिकता और दंगल फैला रहे हैं. आपका कद इतना बड़ा है आप यहाँ बैठे हैं अगर आप आज होते तो शायद महाराष्ट्र कहाँ से पहुँच गया होता. मैंने उनसे कहा उनके कान में मैंने कहा कि आपने कभी हिंदू मुस्लिम में अंतर नहीं समझा. आप जब जाते थे कभी लड़ाई पे तो बाबा के पास जाते थे आप दुआ लेते थे वहाँ से और आपने इस तरह के मकबरों को आपने 700 एकड़ ज़मीनें दिया है लेकिन ये जो लोग बैठे हैं आपका नाम लेकर ये लोग उनसे उनकी खुशी छीन रहे हैं इस यहाँ का नाम बदल रहे हैं और ये जो है मुस्लिम हिंदू के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं. इसी तरह से मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पास गया कि आज मुझ जैसे कमज़ोर आदमी को आपकी ताकत दी हुई है जो मैं आज अपने देश के सबसे बड़े आदमी के खिलाफ बोलने की पूरी ताकत रखता हूँ वो आपकी है और वो ताकत मुझसे नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी छीनना चाहती है इस देश के संविधान को तोड़ देना चाहती है. डॉक्टर साहब हम 1947 में पाकिस्तान चले जाते क्योंकि लेकिन हमने पाकिस्तान को लात मारा बाई चांस नहीं बाई चॉइस हमने हिंदुस्तान को इसलिए चुना कि आपने एक संविधान बनाने की बात की थी वो संविधान ऐसा होगा जिसमें मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई अंतर नहीं होगा. लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है देश के अंदर. बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है. यह हालात देश में है. मैंने दुआ किया कि आप यहाँ हैं अगर आप रहते आज तो शायद किसी की मजाल नहीं होती. ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग सत्ता में बैठ गए हैं जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं. मैं आया मज़ार के ऊपर बाबा के पास यहाँ मैंने दुआएं की कि हमें इस देश के अंदर सबको अल्लाह ताला जितने लोग यहाँ रहते हैं के माध्यम से इनको सब सुख चैन से रहें. मेरा देश जो है श्रीलंका ना बनने पाए मेरे देश के अंदर खून खराबा ना होने पाए मंदिर में घंटी भी बजे मस्जिद में अजान भी हो और 18 साल की उम्र के बाद जिसको जो चाहे करे कानून में बदली नहीं होना चाहिए. बाबा जी आज कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है सूरह निसवा में कि औरतें जब घर से बाहर निकलें तो सर से लेकर पैर तक उसको ढांक लें और एक तरफ नंगे लोग घूमते हैं उन पर कोई रोक नहीं है एक तरफ पर्दे वाली औरतें निकलती हैं उनके ऊपर रोक लगाई जा रही है कोर्ट से रोका जा रहा है. बाबा जी आप मैं इन सब चीज़ों को लेकर आया हूँ. अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ लोगों को अकल दे और अकल नहीं दे तो इनको सबक सिखा दे. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासीर की है. बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.